Hello students, your study platform is Mehta College. मैंने आपको बताया है कि जो इनऑर्गेनिक वाला पेपर था वो पेपर फर्स्ट था और वो आपका कंप्लीट हो चुका था. आज हम पेपर सेकेंड स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और ये आप लोगों का शायद फेवरेट पेपर होगा, ऑर्गेनिक है ना, अच्छी लगती होगी आप लोगों को. रिएक्शन मैकेनिज्म से डरते हो, चलो डरना नहीं है. आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकेंड. ठीक है, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा लेआउट बता देता हूँ आप लोगों कि इसका सिलेबस क्या है. वही जैसे मैंने बताया था कि जो पेपर फर्स्ट था और वो कितने यूनिट में डिवाइड था, 5 यूनिट में डिवाइड था. ये पेपर भी 5 यूनिट में ही डिवाइड होगा. ईच पेपर डिवाइडेड इंटू 5 यूनिट, ईच पेपर डिवाइडेड इंटू 5 यूनिट. अब यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस के अंदर कौन कौन सी अपने पास में यूनिट है. देखना, जो यूनिट फर्स्ट है तुम्हारे पास में, यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन कवर करेंगे किसको, रिएक्शन मैकेनिज्म को, इंटरमीडिएट वगैरह को. ठीक है ना, तो जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म. रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे इसके अंदर, अभिक्रिया की क्रिया विधि पढ़ेंगे. ठीक है ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म यूनिट सेकंड के अंदर तुम्हारे पास में मेंशन है. यूनिट जो सेकंड है उसमें आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री. क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री समावेत, तिरमियम समावेत या स्टीरियो केमिस्ट्री समावेत. ठीक है, यूनिट थर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड जो है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन. इस हाइड्रोकार्बन में क्या क्या है, यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एल्कीन, ये सॉरी एल्केन, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन. एक तो ये पढ़ना है हम टॉपिक. सेकेंड टॉपिक पढ़ना है अपने को एल्कीन, थर्ड टॉपिक पढ़ना है अपने को एल्काइन, और फोर्थ टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाई, जिसमें देखेंगे यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाई. ठीक है भाई, यूनिट जो फोर्थ है, यूनिट फोर्थ के अंदर हमें पढ़ना है एरोमेटिसिटी. ठीक है, एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिसिटी देख लीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड जो भी. ठीक है, यूनिट जो 5 है उसके अंदर पर पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, इनके अपन को बात करनी है. ठीक है, वन बाय वन हम यहाँ स्टार्ट करेंगे. हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट को, क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है ना, तो सबसे पहले यूनिट आप मेंशन कर लेना रिएक्शन मैकेनिज्म, या आप डाल लीजिए यूनिट फर्स्ट. इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखेंगे यूनिट फर्स्ट.
मेंशन कर लेना यूनिट फर्स्ट। अब देखो इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ मैं इसके लिए। आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। सबको पता है कि जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्टेंट है ये तुम्हारे पास में जो खुद रिएक्टेंट है, दैट मीन्स इसको अपन बोलेंगे कभी तुम बोलो सबस्ट्रेट, तो ये क्या है, क्रियाकारक सबस्ट्रेट, और यहाँ पर ये और कौन, रिएजेंट। रिएजेंट ये होता है अभिकर्मक, ये होता है अभिकारक। ठीक है ना, इनकी अपन बात करेंगे भाई। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो तुम्हारे पास में रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, हमने पहले देखा भी था किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक के अंदर। रिएक्टेंट जो है यानी कि इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ मैं भी, इसके मैकेनिज्म की बात करूँ, दैट मीन्स इसके खुद के मैकेनिज्म की बात करूँ यहाँ पर, क्रियाविधि की बात करूँ इसके, तो क्या होगा भाई कि ये जो रिएक्टेंट है वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, वो या तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा या ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है ना, और फिर किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। एक बार ये बनाइए, बना लिया, तो इसमें लिखना इफ वी डील्स विथ ए रिएक्शन मैकेनिज्म, इफ वी डील्स विथ ए रिएक्शन मैकेनिज्म देन फॉलोइंग स्टेप्स आर ऑब्जर्व। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, किसी क्रिया की क्रियाविधि निम्न पदों के द्वारा संपन्न होती है। अब देखना भाई, सबसे पहले आप लिखिए, इसमें पद देख लीजिए जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले देख ली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हिंदी मीडियम वाली लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, इसको बोलते हैं विस्थापन, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, ठीक है। सेकंड मेंशन करना बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना बंध विखंडन।
बंद विखंडन। थर्ड मेंशन करना आप लोग जो अपने को पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के प्रकार, लिख लेना मध्यवर्ती के प्रकार। फोर्थ लिखना आप लोग टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। या टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म करना, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म क्रियाविधि के प्रकार, या टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म क्रियाविधि के प्रकार। ये एक बार बनाइए, फिर इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। लिख लिया। अब सबसे पहले मेंशन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, और लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन को दो भागों में विभाजित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट लिखना परमानेंट, फर्स्ट लिखना परमानेंट, और सेकंड लिखना टेम्परेरी। फर्स्ट लिखना परमानेंट, सेकंड लिखना टेम्परेरी। परमानेंट एंड टेम्परेरी। फर्स्ट मेंशन कीजिए परमानेंट। परमानेंट फर्स्ट क्या है आप लोगों के लिए? परमानेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, और इसमें क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो टेक प्लेस
इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ रीजन, एब्सेंस ऑफ रीजेंट, इट इज द ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ रीजेंट, यह है अभिकर्मक की अनुपस्थिति में भी संभव है। इस प्रकार का विस्थापन इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में भी संभव है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं कौन कौन से भैया, लिखना, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो क्लासिफाइड, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज, इंटू थ्री कैटेगरीज। परमानेंट विस्थापन को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट लिखना इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी में बोला जाएगा इसको प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। सेकंड है तुम्हारे पास में हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन अति संयुग्मन। थर्ड में आंसर करना रेजोनेंस, रेजोनेंस। और क्या भाई अनुनाद, अनुनाद, ठीक है। एक बार ये बना लीजिए आप। एक बार थोड़ी तो अपन इनकी टर्म देख लेते हैं, टर्म्स देखने के बाद में फिर इंटरेस्ट जनरेट होगा आप लोगों में, ठीक है ना। पर टर्म्स देखना ज़रूरी है एक बार, क्या क्या है इनकी डेफिनेशन देखना ज़रूरी है, उसके बाद में फिर देखना आपका बिल्कुल फिर मैकेनिज्म मैकेनिज्म चलती रहेगी, ठीक है ना। अब मेंशन कीजिए, ये बना लेना, वीडियो पोस्ट कर लेना, ये बना लेना। सेकेंड मेंशन करना टेम्प्रेरी डिस्प्लेसमेंट, टेम्प्रेरी डिस्प्लेसमेंट, टेम्प्रेरी डिस्प्लेसमेंट। टेम्प्रेरी डिस्प्लेसमेंट टेम्प्रेरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, टेम्प्रेरी विस्थापन। और इसमें क्या लिखोगे, इट इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इट इज टेक्स प्लेस, इट इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे व्यंजन बनना, यह अभी इस प्रकार का विस्थापन अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। उपस्थिति में होता है, लिख लिया। नेक्स्ट व्यंजन है ना, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज,
इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, एक है तुम्हारे पास में प्लस ए, सॉरी ये टेम्प्रेरी जो डिस्प्लेसमेंट है, हाँ हाँ, इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये मेंशन करना है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसके अंदर आएगा क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और लिखना है इसमें इट इज टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, लिखिए इसके अंदर इट इज टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट लिखना है इसके अंदर द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सेड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन towards one of the unsaturated atom, towards one of the unsaturated atom in the presence of reagent is called electromeric effect। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव टेम्परेरी विस्थापन होता है, नेक्स्ट लिखना इस विस्थापन में पाई इलेक्ट्रॉन का अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी एक असंतृप्त कार्बन पर पूर्ण विस्थापन होता है या पूर्ण विस्थापन लिखो पूर्ण विस्थापन होता है तो इसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं, अभी समझ में आएगा इसको। नेक्स्ट मेंशन करना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट लिखना प्लस ई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट लिखना प्लस ई, प्लस ई माइनस ई, फर्स्ट मेंशन करना प्लस ई, लिखना हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवार्ड्स द रिएजेंट। Here electronic displacement of pi electron towards the reagent। और देखना कैसे कि आपने जब एल्कीन की रिएक्शन करवानी हो ना, क्या करवानी हो, एल्कीन की रिएक्शन करवाओगे, यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल हो तो देखना ये डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इलेक्ट्रोफाइल पे। यह कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये बना लीजिए, रिएजेंट की प्रेजेंस में हुआ अदरवाइज नहीं हुआ।
नेक्स्ट मेंशन करना माइनस आई इफेक्ट, ये सॉरी माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट और लिखना है इसमें हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द रिएजेंट। इसका एग्जाम्पल लिख लें, यहाँ पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट है तो इसने यहाँ अटैक किया, ये यहाँ चला जाएगा कीटोन। ये इसको ऐसे मेंशन करो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बना लिया। नेक्स्ट एक टॉपिक मेंशन करना, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा, पाई इलेक्ट्रॉन की विस्थापन की दिशा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना टॉपिक पाई इलेक्ट्रॉन के, ये कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पूछ ले आप लोगों को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट लिखना पाई इलेक्ट्रॉन की विस्थापन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बात को समझना, तुम्हारे पास में यहां जुड़ा हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्या भाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ERG को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है भाई। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो कौन कौन से होंगे, बात को समझना, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। हो सकता है तुम्हारे पास में यहाँ एल्किल हो, यानी कि जैसे CH3 ग्रुप हो, C2H5 हो, इस टाइप के भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज। जैसे तुम्हारे पास में हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OH हो, जैसे OR हो, NH2 हो, ठीक है भाई, X हो, X का मतलब यहाँ पर FClBr से है, BRI से, ये होना तुम्हारे पास में
तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ये है इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इधर करवा देगा, अपने वाले कार्बन पे नहीं करवाएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट ये विकर्षित करेगा इनको, ये बनाओ एक बार, ऐसा कुछ भी आ जाए तो आप ऐसा डील करोगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर मूव करवाओगे। देखो इलेक्ट्रॉन मूव करवाना सीख रहे, बनाओ यहाँ तक, बना लिया यहाँ तक। चलिए अपना आ गया, इसमें देख लेना इलेक्ट्रॉन कैसे मतलब दूर जाएंगे, ये ध्यान रखना हमेशा, ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो। सेकंड है तुम्हारे पास में ऐसा हो स्केलेटन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, हिंदी में ऐसे बोला जाएगा, क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं भाई, सपोज दैट तुम्हारे पास में यहाँ एन ओ टू हो, सी एन हो, ठीक है ना, NO2 हो गया, CN हो गया, तो ऐसे जो ग्रुप लग के आएंगे वो कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सबसे पहले इसको बना लीजिए ताकि हम फिर बढ़ेंगे किसके अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, बनाओ इसको एक बार। बना लिया, अब फर्स्ट मेंशन कीजिए भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, बस यहीं से स्टार्ट करेंगे, जनरल सी बातें थी। फर्स्ट मेंशन कीजिए इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं, करें बात। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ध्यान देना परमानेंट होते हैं, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो वाया द सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बंद के द्वारा होगा। जैसे तुम्हारे पास में कोई कार्बन चेन है उसके अंदर
मतलब या तो इलेक्ट्रॉन क्या है राइट साइड मूव कर जाएंगे या लेफ्ट साइड मूव कर जाएंगे, डिपेंड करेंगे ग्रुप के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की फिर समझते हैं भैया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ब्रैकेट में लिख देना पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन या इसमें इस प्रकार की विस्थापन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन होता है, इस प्रकार के विस्थापन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, इंडक्टिव इफेक्ट अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लिखना प्रेणिक प्रभाव विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लिखना, इंडक्टिव इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। प्रेणिक प्रभाव को दो भागों में विभाजित किया गया है, ध्यान देना या इफेक्ट जो भी पढ़ोगे वो प्लस ई और प्लस और माइनस ई होंगे। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसकी अपन बात करें तो समझ नहीं देखो बात का। ये हमने यहां जेड बना दिया। अब देखना यहां हो क्या कि ये जो कार्बन है इस जेड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, समझना बात को। ये जो कार्बन है देखो, ये वाला कार्बन अब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दिख रहा है आप सब लोगों को,
इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसे, वाया द सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। बात समझ में आई कि नहीं? इस वाले में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रो मतलब जो जेड होगा, जेड तो भैया अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब तो खींचेगा भैया। बस यहाँ पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन। बनाइए एक बार इसको, बना लिया होगा। अब इनका ऑर्डर आना चाहिए आप लोगों को, बिना ऑर्डर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भैया। लेकिन ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है उसे प्लस आई बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग जो है उसे माइनस आई लिख देना। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट था उसको प्लस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग रिलीजिंग जो ग्रुप था उसको माइनस आई, आप लोगों को और लेना है। फिर लिखिए ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। इसके अंदर सबसे पहला लिखिए 3 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री एल्केन। फिर लिखना 2 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री एल्केन। फिर लिखना 1 डिग्री एल्केन, 1 डिग्री एल्केन। फिर लिखना CT3, CD3, CH3। फिर लिखना TD और H, ये CH3 के बाद में ये, ठीक है ना, मतलब ये आएगा। चलो वहीं बना देता हूँ, TDH, ये लो, ये ऑर्डर ऑफ प्लस आई है, याद करना भाई इसको, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। बना लो भाई इसको फटाफट, याद हो जाएगा आप लोगों को।